अकबर भाई तो ये भी कह रहे थे कि दूसरी शादी कर लेंगे वो। नहीं नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। अकबर अकबर ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम जानती नहीं हो पर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। पागल हो गई है ये, कभी भी नहीं। अगर तुम अपना घर छोड़ के इतने इतने दिन मैके में आके बैठ जाओगी तो दूसरे लोगों को तो ये सब कुछ करने का मौका मिलेगा ना। देखिए आप ही, मुझे लगता है कि आपको वहां चले जाना चाहिए इससे पहले कि वो कुछ मत कहो। देर मत करो तो बस तुम फौरन जाओ। शाबाश। कितनी कोई फोड़ औरत है, अल्लाह माफ करे। और जैन ने भी जो है ना मेरा पता नहीं हैंड फ्री कहाँ रख दिया। ये तो चार्जर है। चची वो नाजिल हो गई दोबारा हम पर, आपकी चहेती बहू तबस्सुम। हाय तुमने उसको घुसने क्यों दिया, दरवाजा क्यों खोला उसके लिए? हाँ इतनी जोर से दरवाजा बजा रही थी ना, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने ना आओ देखा ना ताओ, फौरन सीधा अंदर। उसके आते ही मेरा मूड खराब हो गया। चची जान अब सब कुछ ना बाद में ही देखना, पहले अपनी बहू को देख लो आके। हाँ जब भी बोलना ना तो कफन फाड़ के बोलना। चल मेरे साथ देख मैं करती क्या हूं उसके साथ। क्यों आई हो तुम यहाँ पे, निकलो मेरे घर से। तुम भी अंदर जाओ, हमारे घर का आपसी मामला है। ये कहीं नहीं जाएगी, शहजादी यहीं पे रहेगी, जो बोलना है तुमने बोलो। तो मुझे ये बताओ कि आई क्यों, हमारा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, अकबर तुम्हें तलाक भिजवाने वाला है। अकबर की इतनी जुर्रत है कि मुझे तलाक दे, वो भी इस तलाक याफ्ता के लिए कि दिमाग में फिर इसका फतूर सवार हो गया। एक मिनट, खबरदार जो मुझे तलाक याफ्ता बोला। तलाक नहीं हुई है, मैंने खुला लिया था खुद। और मेरा अब बहुत ही शानदार रिश्ता लगा है, कनाडा जा रही हूँ मैं, समझ आई तुम्हारे? जब तुम अपनी माँ के घर में अय्याशियां कर रही थी ना तो यही लड़की थी जो तुम्हारे बेटे के मुंह में निवाले डाल रही थी, समझी? जाहिर सी बात है, एक माँ को उसकी औलाद से दूर करेंगे तो दूसरे ही आएंगे ना उसे संभालने के लिए। खाएं कसम कि आपने मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं किया। खाएं कसम अगर आप झूठ बोले तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखें। हाय अल्लाह कितनी मनहूस औरत है, मेरे बेटे का मरा हुआ मुंह देखने की बात कर रही है।